क्या आप जानते हो कि एज ए एक्सपोर्टर कोई पर्सन एक्सवर्क इंकोटम का यूज करता है उसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, आप एक्सपोर्टर हो और एक्सवर्क इंकोटम के अंदर काम कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपका जिम्मेदारी जो है आपकी फैक्ट्री तक ही है। एक्सवर्क के अंदर बायर अपना एजेंट भेजेगा या बायर आएगा, हमारी फैक्ट्री से बायर या बायर का एजेंट जो है वो गुड्स को कंटर में या ट्रक में लोड करेंगे, हमें लोड भी नहीं करना है। एक्सवर्क के अंदर गुड्स को हमें मैन्युफैक्चर करके रख देना है गोडाउन में, उसके बाद बायर का एजेंट आएगा, उसको लोड करेगा, लेके जाएगा, कस्टम क्लीन्स करेगा और पूरा एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो एक्सवर्क के अंदर जो है एक्सपोर्टर का जिम्मेदारी अपनी फैक्ट्री तक, अपने वेयरहाउस तक है, उसके आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ एक्सपोर्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। आपका कोई रिस्क नहीं है। अगर कार्गो का एक्सीडेंट हो जाता है, कार्गो टूट जाता है, तो आपका कोई रिस्क नहीं है। तो इन एक्सवर्क इंकोटर्म के अंदर बायर हमारी फैक्ट्री से गुड्स ले जाता है और पूरा रिस्क जो है बायर का रहता है। फॉर मोर एक्सिम नॉलेज फॉलो परेश सोलंकी। थैंक यू।